नमस्कार दोस्तों, तो क्या आप लोगों को मालूम है कि टेक्नो कंपनी वालों ने चुपके से अपना पहला 5G फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है कल रात को। वैसे इंडिया में नहीं, लेकिन बाहर के देश में लॉन्च कर दिया है और उस स्मार्टफोन का नाम है टेक्नो पोवा 5G। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो टेक्नो पोवा 5G नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, क्या का स्पेसिफिकेशन लॉन्च हुआ है, किस प्राइस में लॉन्च हुआ है और इसका डिज़ाइन क्या है और जब भी इंडिया पे आएगा तो किस प्राइस पॉइंट में और कब तक आएगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त के। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्मार्टफोन रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि भी स्क्रीन में देख सकते हैं ये जो टेक्नो पोवा 5G नाम का जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है दिखने में एग्जैक्टली ऐसा है और इसका कलर भी कहा जा रहा है कि बस एक ही कलर है जो कि ब्लैक कलर का ऑप्शन। इस स्मार्टफोन का थिकनेस है 9.4 मिलीमीटर और इसका वेट है 203 ग्राम। और अगर हम इसके पीछे के बैक मटेरियल के बारे में बात करें तो उसमें आपको ग्लॉसी प्लास्टिक बैक कवर आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.95 इंच फुल HD प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले। इसमें आपको मिलेगा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91% के आसपास और इसमें आपको NEG ग्लास की तरफ से प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें इसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 900 5G प्रोसेसर जो कि प्राइस रेंज की सबसे बहुत ही एक पावरफुल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अभी के लिए सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। और ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ इसमें आपको टोटल 5 अलग अलग 5G बैंड देखने को मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें इसमें आपको मिलेगा 52 और एक AI सेंसर और फ्रंट में आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और क्योंकि स्मार्टफोन टेक्नो की तरफ से तो ऑब्वियसली इसके बैक साइड में आपको क्वाड LED फ्लैश, फ्रंट में आपको डुअल LED फ्लैश देखने को मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन सिर्फ एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है जो कि 8GB रैम 128GB मेमोरी, लेकिन इसका मेन खासियत है कि इसका जो रैम का क्वालिटी वो आपको मिलेगा LPDDR5 क्वालिटी का रैम और इसके मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 3.1 क्वालिटी का स्टोरेज। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्राइस पॉइंट में स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होने वाला है उस प्राइस पॉइंट में अभी तक कोई भी कंपनी आपको LPDDR5 और UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा और उसके साथ आपको 100% 2+1 कार्ड स्लॉट मिलेगा। और आजकल के दिन के बाकी सभी स्मार्टफोन के जैसा इसमें भी आपको 3GB का वर्चुअल रैम देखने को मिलेगा। बैटरी अगर बात करें आपको इसमें मिलेगा 6000mAh बैटरी और उसके साथ 18W का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। अगर हम इसके कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसमें एंड्रॉयड 11 मिलेगा, 3.5mm जैक के साथ लॉन्च होगा और जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अब जो सबसे मेन चीज़ कब लॉन्च होने वाला है और किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, पहले तो लॉन्च डेट की बारे में बात कर लेते हैं। पिछले दिन रात को यूरोप के मार्केट में ये स्मार्टफोन सबसे पहले लॉन्च हो चुका है, तो मतलब इधर हम यही चीज़ उम्मीद करेंगे कि जनवरी महीने के आखिर तक ये स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होने के 100% चांस है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें अभी तक ऐसा मालूम चला है यूरोप के मार्केट में ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है $289 पे और अगर हम इस प्राइस को डायरेक्टली इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइस होगा ऑलमोस्ट 20 से 21 हज़ार रुपये के आसपास। और ये चीज़ तो आपको ज़रूर मालूम है जो स्मार्टफोन यूरोप पे जिस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है इंडिया पे जब वो आता है उसका प्राइस डेफिनेटली कम हो जाता है। तो इसीलिए ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे जब लॉन्च होगा मेरे ख्याल से प्राइस होगा इसका 18,000 रुपये के आसपास। तो अभी हर वीडियो को जैसे इस वीडियो में आपको कहूँगा कि ये जो टेक्नो पोवा 5G नाम का जो स्मार्टफोन इंडिया पे आने वाला है क्या 18,000 रुपये के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड या फिर एक बहुत ही बढ़िया 5G स्मार्टफोन है या फिर नहीं। देखिए पहले तो हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले क्योंकि ऑलमोस्ट एक छोटा मोटा टैबलेट के साइज का डिस्प्ले उसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा इसका जो प्रोसेसर डायमेंसिटी 900, अभी तक डायमेंसिटी 900 जितना इतना पावरफुल प्रोसेसर 18,000 रुपये पे कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि 18,000 रुपये पे आपको मैक्सिमम डायमेंसिटी 810 ही मिलता है। तो उस मामले में भी ये बहुत बढ़िया बात है और उसके साथ आपको 5 अलग 5G बैंड भी मिलने वाला है। तो मतलब इसका जो प्रोसेसर और कनेक्टिविटी वो भी बहुत बढ़िया बात है। अगर हम इसके वेरिएंट के बारे में बात करें 8 128GB मेमोरी और उसके साथ LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज, मतलब इस मामले में भी कोई इशू नहीं है। मतलब इधर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इस स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर गेमिंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। और उसके साथ ये जो स्मार्टफोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए आपको इसमें मिलेगा 6000mAh का बैटरी। लेकिन जो चीज़ हमेशा मैं आपको कहता हूँ, जब कोई कंपनी कोई स्मार्टफोन में बहुत सारी बढ़िया चीज़ प्रोवाइड करता है तो कुछ चीज़ें जरूर उसमें नेगेटिव तो जरूर प्रोवाइड करता है जिससे कि जो स्मार्टफोन का ओवरऑल कॉस्ट वो सही रहे। तो ये जो टेक्नो पोवा 5G इसका सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है इसका बैक कैमरा सेटअप, क्योंकि इसमें आपको
मिलेगा 52 और एक AI सेंसर। वो जो 2 और AI सेंसर वो तो किसी काम का नहीं होता। और अगर ये 50 मेगापिक्सल वाला सेंसर अगर फ्लैगशिप लेवल का होता तो हाँ वो मैं मान लेता कि सही है, लेकिन क्योंकि नॉर्मल 50 मेगापिक्सल है तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर इसमें 64, 8 और 2 ये वाला कॉम्बिनेशन रहता तो मेरे ख्याल से और भी बेटर रहता। और जो दूसरा चीज़, इसका जो चार्जर 6000 mAh बैटरी है, मैं मान लेता हूँ बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन 6000 mAh बैटरी को 18 वाट के चार्जर की मदद से चार्ज करने में मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटा टाइम लग जाएगा, जो कि आजकल के दिन के 18000 रुपये के स्मार्टफोन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसका प्राइस होगा 18000 रुपये के आसपास, जो कि एक ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा जिसका मेन खासियत होगा उसका कैमरा, तो आपको इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे कि 18000 रुपये एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन जिसे आप नॉर्मल काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3-4 घंटा गेमिंग में यूज़ कर लिया, इसे एंटरटेनमेंट मतलब मूवी या फिर यूट्यूब देखने के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया, और इसके अलावा अगर आप चाहते कि आप ओकेशनल फोटोग्राफी करेंगे, ओकेशनल फोटोग्राफी मतलब अगर इसके मदद से आप बहुत ही रेयर फोटोग्राफी करना चाहते, तो मेरे ख्याल से ये जो स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है, डायमेंसिटी 900 जैसा पावरफुल 5G प्रोसेसर, उसके साथ LPDDR5 का रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज और 120Hz का डिस्प्ले, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको 18000 रुपये के प्राइस पॉइंट में कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, जो कि गेमिंग में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। तो अभी आप मुझे जो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो 18000 पे टेक्नो पोबा 5G नाम का जो स्मार्टफोन आने वाला है, इसका स्पेसिफिकेशन देख के आपको कैसा लगा। और अगर आप सोच रहे कि अगले 2 महीने के अंदर 18 से 20 हज़ार के अंदर कोई नया 5G स्मार्टफोन लेंगे तो आप क्या लेना चाहेंगे, ये जो अपकमिंग फ़ोन आने वाला है ये लेना चाहेंगे, या फिर प्राइस पॉइंट में अवेलेबल जो दूसरे 5G स्मार्टफोन ऑलरेडी है आप उसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।